पीछे मंच पर गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, ये सेकेंड ईयर है नरेंद्र मोदी जी के इंतजार में बैठे हुए नेतागण, ये बिहार के MLC हैं, MLA हैं और वो लोग हैं जो गणमान्य हैं NDA में। तस्वीरों के माध्यम से चेहरा तो पहचान ही रहे होंगे, लगभग सभी चेहरे आपको दिख रहे हैं, मगर इनके पीछे एक असली कहानी है। असली कहानी इस तरफ है, जिधर जनता बैठी हुई है, जनता तय करेगी कि वहाँ कौन बैठेगा। इसीलिए जनता से हम आग्रह करेंगे, आ जाइए भैया, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। कुछ समस्या है जनता की, ऐसे तो घर में कहा जाता है कि नल जल फलना चिलना बहुत सारा समस्या होता है, मगर रैली में भी समस्या हो रही है। क्या समस्या हो रही है? हम लोग जो है सुबह से 9 बजे यहाँ आ चुके हैं, आगे में जो है थोड़ा पानी का जो है व्यवस्था नहीं है, महिला लोग सब आई हुई है सहरसा डिस्ट्रिक्ट, महिला को पानी नहीं मिल रहा है, पानी को आगे में नहीं मिल रहा है। पानी की समस्या तो पूरे देश की है न, यहाँ पीने का पानी देश तो बढ़िया से चल रहा है, एकदम मोदी सरकार के नेतृत्व में पानी मिल रहा है। जी जी, पानी का समस्या ऐसे नहीं है न, ऐसे नहीं। कौन पार्टी से आए हैं? हम लोग जदयू से है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट जदयू से वहाँ सोनवर्षा प्रखंड से 600 साढ़े 600। नीतीश जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है? नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी जी को अब की बार प्रधानमंत्री फिर से बनाना। इस बार मान गए आप लोग ना? जी, पिछले बार गुस्सा गए थे ना, गुस्सा के छोड़ दिया था ना। और भी लोग इधर आइए सर, आगे आइए, आगे आइए। किस पार्टी के हैं आप? हम प्रखंड जदयू मीडिया सेल का सोनवर्षा का प्रखंड। जितने लोग हैं कौन पार्टी के हैं? ये पूरा NDA का सभी परिवार हम लोग यहाँ पर NDA के सारे कार्यकर्ता है। कितना लोग होंगे? हम लोग यहाँ अभी लाखों से ऊपर हैं। जनता भी आई है कि खाली कार्यकर्ता आया है? कार्यकर्ता आया है, जनता भी आया है, जनता भी आया है, 10-20% जनता आया है ना? नहीं नहीं, तो एकदम 90% है, बाकी कार्यकर्ता है, सभी है, एकदम मिक्सिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है लोगों की समस्या है, रैली में आए हैं, समस्या तो सबको होती है। पानी की समस्या के लिए सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, ये तो रैली है। रैली का माहौल फिलहाल ये है कि एक बार दिखाना चाहेंगे आपको कि देख लीजिए कितना भीड़ है, खुद गिन लीजिए, खुद समझ लीजिए कितने लोग आए हुए हैं। हम कोई नंबर नहीं देना चाहेंगे अभी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं, और कहीं अगर हम कह दें कि लोग नहीं आए तो हो सकता है कि मोदी जी भी ना आए, तो ऐसे में भीड़ दिखा दीजिए एक बार। घुमा दीजिए, घुमाइए घुमाइए, देखिए महिला आई है, क्या आई 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 माता जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ हो रही है? आगे आगे जिंदाबाद 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 मोदी सरकार जिंदाबाद। हमारा कहने का मतलब कि जितना 10% कार्यकर्ता है सब ठंडे बैठे हुए हैं, 90% जो जनता है सारे धूप में है, हम लोग इतना धूप में मोदी सरकार के इंतजार में बैठे हुए हैं। मोदी नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे, लेकिन बहुत इंतजार करवा रहे हैं, आएंगे इंतजार करवा रहे हैं। हाँ हाँ, उनका टाइम फिक्स है, आएंगे ही, लेकिन धूप में हम लोग जनता है जो बहुत दिक्कत। काम किया जाए, अगर कहा जाता है कि मातृशक्ति अगर दे दे आशीर्वाद तो कोई प्रधानमंत्री, मतलब नीतीश जी को आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो बनेंगे। नीतीश जी में क्या कमी है? प्रधानमंत्री जी कमी नहीं है, वो बिहार का मंत्री है, बिहार का रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे भारत का, पूरे भारत का रहेंगे। नहीं, पूरा भारत का मोदी सरकार है, पूरा भारत ही करेंगे। और नीतीश कुमार जिंदाबाद। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। एक बार प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा जगी थी नरेंद्र मोदी के अलावा नीतीश कुमार में, उसके बाद से कहा जा सकता है कि देख लीजिए कैसे उत्साह ठंडा हो गया। आप कहने पर भी नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार भी। खैर, नीतीश कुमार मान लिए हैं कि उनकी राजनीति एक तरह से खत्म। देखिए लगातार ये लोग हैं जो कि तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको, जदयू के कार्यकर्ता हैं, आगे की रो में बैठे हुए हैं। कहा भी जा रहा है कि जदयू ने हाईजैक कर ली है नरेंद्र मोदी और NDA की इस रैली को। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी करना है कर दीजिए, क्योंकि रैली का सबसे जो इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर हम ही आएंगे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।